सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं हूँ आरिफ आसमी, आप देख रहे हैं निर्भय नगरी। निर्भय नगरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज 26/11 कभी न भूलने वाला काले दिवस पर मुमरा में भाजपा के कुणाल पाटिल और राहुल सिंह की तरफ से मुमरा रेलवे स्टेशन के सामने भावपूर्ण श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा गया, जहाँ 26/11 को शहीद हुए देश के जांबाज सिपाहियों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर इस श्रद्धांजलि के कार्यक्रम में थाने से आए भाजपा के थाने जिला महासचिव मनोहर सुखदरे से हमने बात की, आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। मनोहर जी, आज 26/11 है, आज ही के दिन जो है हमारे देश के जांबाज सिपाहियों को जो है शहीद कर दिया गया था, और इस मौके पर बीजेपी के लोग जो है यहाँ मुमरा स्टेशन के सामने जो है भावपूर्ण श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा, क्या कहेंगे इस मौके पर? 26/11 को आज 14 साल पूरे हो गए हैं, और थाने शहर में भारतीय जनता पार्टी थाने शहर जिला की ओर से शहीदों को आज नमन किया जा रहा है। और जो मुंबई के ऊपर जो प्राणघातक हल्ला हुआ था, उसमें हमारे कई जवान भी शहीद हुए थे, हमारे महाराष्ट्र के नागरिक भी शहीद हुए थे, और उसके साथ में हमारे जो नर्सिंग स्टाफ है वो भी इस प्राणघातक हल्ले में शहीद हुए थे। आज हम उनको नमन करते हैं और हम लोग यहाँ पे भावपूर्ण श्रद्धांजलि हम लोग अर्पित करते हैं। मुमरा की तरफ से हमारे मुमरा मंडल के कुणाल अध्यक्ष राहुल जी और हमारे सभी पदाधिकारी ने आज यहाँ पे शहीद दिन मनाने का फैसला किया, और हम लोग ये आज शहीद दिन मना के सबको नमन कर रहे हैं। मनोहर जी, एक ये श्रद्धांजलि का कार्यक्रम है, यहाँ पर मौजूद नहीं है, मगर मजबूरी है कि आपसे वो सवाल पूछना चाहिए कि मुमरा शहर के अंदर इस वक्त रिदा वर्सेज जो है अवार्ड की लड़ाई चल रही है, यहाँ पर आप ही की पार्टी के एक सक्रिय कार्यकर्ता पदाधिकारी थी रिदा रशीद, जिन्होंने यहाँ के MLA विधायक जितेंद्र अवार्ड पर 354 विनय भंग का मामला दर्ज कराया था, उसके बाद उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा रिदा रशीद पर एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया गया। अब आज जबकि छठा दिन है, आंदोलन चल रहा है रिदा रशीद की गिरफ्तारी। भारतीय जनता पार्टी हमारा कलवा मुमरा विधानसभा में संगठन के बारे में बहुत सारे अच्छा काम कर रहे हैं। कलवा मंडल है, मुमरा मंडल है, कौसा मंडल है, हमारे जो भी पदाधिकारी है जो भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक कार्य में बहुत सारे मग्न है, हमारे सब मंडल के पदाधिकारी, हमारे सब जो भी साथी है वो यहाँ पर सक्रिय है। और रिदा मैडम का जो सब्जेक्ट है वो उन्होंने आश्चर्य फाउंडेशन के मार्फत लिया था, आपने दिया कि आरसिया फाउंडेशन के मार्फत उन्होंने बहुत सारे कार्यक्रम किए और बहुत सारे कार्यक्रम में वो सक्रिय है। अभी उनका और MLA का क्या झगड़ा हो गया, उससे भाजपा से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे भाजपा का कोई पदाधिकारी कार्यकर्ता वहाँ पे मौजूद नहीं था, हमें कुछ पता नहीं इस बारे में। आशीर्या फाउंडेशन की रिदा रशीद जाने और MLA साहब जाएंगे इस बारे में, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। रिदा रशीद भाजपा में नहीं है? नहीं, भाजपा के तो पदाधिकारी है, प्रदेश के पदाधिकारी है, लेकिन हमारे संगठन के जो काम कर रहे हैं, हमारे संगठन के जो पदाधिकारी है कलवा मुमरा विधानसभा के, वो तो संगठन के बारे में काम करे, हम लोग विकास के बारे में काम करे, और जहाँ जहाँ भी MLA साहब का गलत काम होता है भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे जोर शोर से खड़ी होती है और कॉरपोरेशन में भी आवाज़ उठाती है और रास्ते पर भी उतरती है। मनोहर जी, अब रिदा रशीद प्रकरण में नया मोड़ आ चुका है, आपके भाजपा के ही जो है एक युवा मोर्चे के पदाधिकारी काशिफ फारूकी हैं, उन्होंने कल अमित गार्डन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है जिसमें बड़े बड़े खुलासे किए हैं, बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं कि रिदा रशीद जो है गौ कसी का कार्य करती है, जो है गौ हत्यारण है, वो इस तरह के आरोप जो है वो लगाए, जबकि भाजपा के तरफ से, भाजपा के कार्यकर्ता के तरफ से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, वहाँ भाजपा का और कोई पदाधिकारी नहीं दिखा। तो मनोहर जी, आपका, आपके कार्यकर्ताओं को उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो है समर्थन है या नहीं है? तो पहली बात है कि मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तक सुनी नहीं है, और जो बात मैंने सुनी नहीं है उस बारे में कहना उचित नहीं होगा, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने के बाद मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। राहुल, आज 26/11 का जो है भावपूर्ण श्रद्धांजलि का कार्यक्रम आपने रखा, क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि 26/11 का कार्यक्रम हम लोगों ने बहुत दिन से हर साल करते आते हैं, इस साल भी किया है हमने, और श्रद्धांजलि मतलब मैं अर्पित करता हूँ, सत सत नमन करता हूँ। Thank you.